सैनिक एक्सप्रेस अब रोजाना चलेगी। काफी लंबे समय से इस ट्रेन को रोजाना चलाने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीकर से दिल्ली चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन अब रोजाना चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीकर रेलवे स्टेशन पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने भी हरी झंडी दिखाई। दैनिक रूप से चलने वाली इस ट्रेन ने व्यापारियों के साथ साथ सैनिकों को सफर करने की सुविधा होगी। लंबे समय से सीकर में इस ट्रेन को नियमित रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा था। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने ट्रेन को नियमित रूप से चलाने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रेल मंत्री को इस ट्रेन को दैनिक रूप से चलाने के लिए निवेदन किया था, जिसके बाद आज जनता के लिए यह ट्रेन शुरू की गई। ट्रेन से सबसे ज्यादा फायदा सैनिकों और व्यापारियों के साथ बाहर से आने वाले स्कूली छात्रों को हुआ। सांसद सुमेधानंद ने बताया कि सीकर जिले को एजुकेशन हब कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में दूर दराज से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में इस ट्रेन के चालू होने से उनको और उनके परिजनों को आवागमन में काफी फायदा मिलेगा। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि सीकर से सबसे ज्यादा सैनिक सेना अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे में आवागमन के लिए ट्रेन अमृत का काम करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि त्रिसाप्ताहिक चलने वाली ट्रेन अब रोजाना चलेगी। इसके साथ ही ट्रेन को दिल्ली स्टेशन तक कर दिया गया है। पहले यह ट्रेन दिल्ली समय रोहिला तक ही जाती थी। ऐसे में बाहर जाने वाले सैनिक सीधे दिल्ली स्टेशन तक पहुंचेंगे और वहां उन्हें आगे का रास्ता तय करना सुगमता मिलेगी। कार्यक्रम में झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार, जिला प्रमुख गायत्री कंवर, नगर परिषद चेयरमैन जीवन खां सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।